Hey guys, welcome back to the channel. This is Side Dental Vlogs and you all are welcome to yet another vlog. तो हाल फिलहाल में मुझे काफी DMs आ रहे थे सर आपके बताए हुए एंटीऑक्सीडेंट्स जो मैं यूजली बोलता हूँ कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स खाने चाहिए इससे OSMF की बर्निंग सेंसेशन कम हो जाती है. तो यूजली जो पेशेंट्स हैं उनको लगता है कि इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है. हर पेशेंट में वैरी करता है कि डिग्री और सिवियरिटी और ग्रेडिंग ऑफ OSMF कितनी है. ठीक है, अब ये एक मेडिसिन अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स कोई एक महीने तक खा रहा है और उसको बर्निंग सेंसेशन में थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है, और कुछ कुछ पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि पूरा 6 मंथ्स खाने के बाद बर्निंग सेंसेशन कमती है. तो ऐसा नहीं कि हर एक पेशेंट का सेम टाइप ऑफ रिएक्शन होता है. एंटीऑक्सीडेंट डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी भी उसमें काफी हेल्प करती है. तो एंटीऑक्सीडेंट्स अगर मैं जो भी देता हूं उसको कम से कम आपको 2 इयर्स तक खाना ही है. एटलीस्ट वंस डेली अगर आप खाएंगे कोई भी टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जो आप यूजली ले रहे हैं, जैसे कि अगर आप ओरल सबमिकस फाइब्रोसिस के लिए SM फाइब्रो खा रहे हैं या फिर कर्क्यूमिन कंटेनिंग एंटीऑक्सीडेंट खा रहे हैं या फिर ओमेगा फैटी एसिड्स खा रहे हैं, तो ये जो भी है ऑक्सीडाट खा रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट होता है. और जी हाँ, एक सवाल जो मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. जितना भी एक्स्ट्रा होता है वो आपके बॉडी से एक्सक्रीट होकर निकल जाता है, तो कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है. तो ये सारे डाउट्स मुझे क्लियर करने थे. और भी कुछ कुछ डाउट्स हैं. काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि OSMF में एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं या मल्टीविटामिन खाएं. देखिए, हर मल्टीविटामिन्स का भी अलग रोल है, एंटीऑक्सीडेंट्स का भी अलग रोल है. मल्टीविटामिन्स लाइक पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B6, B4, राइबोफ्लेविन, B12, और हालांकि जो लोग प्योर वेजिटेरियंस हैं उनको विटामिन B12 के सप्लीमेंट तो लेने ही चाहिए. तो मल्टीविटामिन्स अलग होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स अलग होते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं. नेचुरल प्रोडक्ट्स में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, लाइक ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट हो गया, जिनसेंग हो गया, या फिर आपका टोमेटो एक्सट्रैक्ट हो गया जिसको हम लाइकोपीन बोलते हैं, या फिर आपका हल्दी एक्सट्रैक्ट हो गया जिसको कर्क्यूमिन बोलते हैं. तो ऐसे फ्लेविनॉइड्स, जितने भी सारे आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज्यादा पाए जाते हैं. प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हमको जो, अब देखिए एक और चीज है कि फार्मा कंपनीज जो मेडिसिन बना रही हैं जो भी है, तो उसमें एग्जैक्ट मात्रा कितनी है, एग्जैक्ट अमाउंट जो उन्होंने रिकमेंड किया है, क्या वो रियली उतनी है, कहाँ बन रही है, उसका कुछ सोर्स हमको उतना पता नहीं होता है. तो जो आपको मेडिसिन सूट कर रही है वो आप खाइए, और ट्राई करिए जितना नेचुरल फूड आप खा सकें. नेचुरल फूड से एंटीऑक्सीडेंट जो मिलता है वो रियल होता है, उसको आपको पता होता है उसके अंदर कोई मिक्स नहीं है या फिर कुछ इंग्रेडिएंट मिक्स नहीं है. अब एक कैप्सूल के अंदर एक पाउडर है, उसमें अंदर क्या एक्चुअली है वो हम भी नहीं जानते हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है हम भी नहीं जानते हैं. तो इसका जो इफेक्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स का, कितने दिन बाद वो इसमें ठीक करेगा या फिर बर्निंग सेंसेशन को कितना ठीक करेगा, उसका कोई हम नहीं बता सकते हैं कि स्पेसिफिक. यूजली 6 मंथ्स टू 7 मंथ्स में पेशेंट को रिलीफ मिलता है, बर्निंग सेंसेशन कम होती है. अब काफी लोग बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट मैं खा रहा था तो मुझे मुंह खुलने लगा और मुझे अच्छा लगने लगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. एंटीऑक्सीडेंट खाने से आपका मुंह नहीं खुलता है. एंटीऑक्सीडेंट खाने से आपके सिम्टम्स कम होते हैं, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन हो गया या फिर अल्सरेशन हो गई. ठीक है, अब उसे मुंह खुलने के साथ उसे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो फाइबर्स को नहीं कट करता है, वो ओनली इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करता है. एंटीऑक्सीडेंट SM फाइबर खाया और मुंह खुलने लगा, वो जस्ट साइकोलॉजिकल है कि पेशेंट जो है मेडिसिन्स खा के थोड़ा बेटर फील कर रहा है, अच्छे से खा पाता है, जलन हो तो पेशेंट को लगता है कि उनका मुंह खुलने लगा है. तो जो लोग भी आप लोग एंटीऑक्सीडेंट्स खा रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म तक खाइए, एटलीस्ट 6 मंथ्स खा के देखिए. और कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट्स जैसे 15-20 दिन खा लिया, कोई असर नहीं हुआ तो वो लोग डॉक्टर चेंज कर देते हैं. तो ऐसा कभी मत करिए, क्योंकि एक डॉक्टर के साथ ट्रस्ट बनाना भी बहुत मुश्किल होता है. और अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, अगर सीवियर केसेस में अगर थोड़ा सा भी आपको रिलीफ मिल रहा है तो आपको सेकेंड ओपिनियन के लिए डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप चेंज करते हैं, तो चेंज करते रहेंगे तो आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे और आप कंफ्यूज होंगे. तो स्टिक, एक अच्छे डॉक्टर को सर्च करिए, उसको स्टिक करिए उस प्रोटोकॉल पे, और उस प्रोटोकॉल पे फॉलो करिए एटलीस्ट फॉर अ ईयर, तभी जाके ये सब सिम्टम्स आपके कम होंगे. तो आज का वीडियो यही एंड करता हूँ, छोटा वीडियो बनाया है. और 2-3 डाउट्स जो थे, काफी मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने सोचा चलो इसको वीडियो के रूप में बना देते हैं. तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक इट, और भी ऐसे वीडियोज बनाता रहूंगा जब भी टाइम मिलेगा. तो हाल फिलहाल में ये पिछला महीना 2 महीने से बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था,
और भी रिसर्च कर रहा हूं मैं, काफी मुझे टॉपिक्स लोग मुझे रिकमेंड कर रहे हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके ही वीडियो बनाऊंगा। देखिए मेरे वीडियो पूरे रॉ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं म्यूजिक डाल रहा हूं और इंट्रो आ रहा है, जस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी मुझे मिलता है, इमीडिएटली आपके साथ शेयर करना कर देता हूं मैं। तो लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे।